वो ऊपर में जटायु है। कैसे हो आप लोग? मैं हूँ रिचू फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। इतना परफेक्ट मॉर्निंग, एकदम सुंदर। और आज मैं जा रहा हूँ कर्नाटका और आंध्र प्रदेश बॉर्डर में एक जगह है जिसके नाम है लेपाक्सी, और वो बेंगलोर से अबाउट 130 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। इतना दूर ट्रैवल कर रहा है, होपफुली अच्छा हो। डॉगी वैसे मैं अपने दोस्त सयन के साथ जा रहा हूँ। हम दोनों 6:30 को मिलने का प्लान था और अभी ऑलरेडी 6:40 हो रहा है। फिर से लेट हो गया मैं। लेपाक्सी वैसे आंध्र प्रदेश के अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है जो कि कर्नाटका का जस्ट बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है। और सुबह सुबह ट्रैफिक जाम। चलो कहीं साइड से निकलता है। बाइक का यूज़ सबसे अच्छा चीज़ है बाइक का, ये ट्रैफिक सिग्नल में कहीं से भी निकल जाओ। ये वाला बिल्डिंग जो है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, बेंगलोर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। और इसके बगल में ही एक सुंदर सा मॉल भी है, ओरियन मॉल, काफ़ी अच्छा है देखने के लिए। तो बाल फ्लाईओवर। मेरा फ्रेंड यहाँ पे कहीं वेट करने वाला था, अभी ढूंढना पड़ेगा कहाँ है। ऑलरेडी बहुत लेट हो गया, मैं ऑलमोस्ट आधा घंटा लेट करा दिया। बाय द वे गुड मॉर्निंग, सॉरी आई एम लेट। सो दिस इज एयरपोर्ट टोल गेट, एंड एज यू नो देयर इज नो टोल फॉर बाइक्स, तो इसलिए आराम से निकल जाओ। तो यहाँ से बेंगलोर एयरपोर्ट जाता है, यहाँ से हैदराबाद जाता है। हम लोग हैदराबाद रूट लेंगे। ओके, यहाँ से द फेमस नंदी हिल्स जाता है, लेकिन हम तो जा रहा है आगे लेपाक्सी। और
बोला जाता है कि पूरा मंदिर को वो पिलर सपोर्ट करता है, मतलब वो पिलर जो बैलेंस करके रखता है। तो 1902 में कोई ब्रिटिश इंजीनियर वो पिलर को हटाने के लिए कोशिश किया, तो जैसे ही कोशिश किया पूरा मंदिर हिल गया और वो तुरंत उधर से भाग गया। तो अभी तक किसी को मालूम नहीं है वो हैंगिंग पिलर कैसे पूरा मंदिर को सपोर्ट करके रखे। लेपाक्षी नाम का भी एक हिस्ट्री है। बोला जाता है कि रामायण में जब रावण सीता को अपहरण करके ले जा रहा था, तो उस समय जो जटायु बर्ड गॉड है वो सीता को बचाने के लिए कोशिश किया, तो उस समय वो इंजर्ड हो गया और इस जगह में गिर गया। जब राम आया और वो जटायु को देखा, तो मतलब इंजर्ड कंडीशन में जटायु को देखते हुए उसने उसको क्या बोलते हैं ब्लेसिंग दिया बोलेगा, और उसको बोला लेपाक्षी। तो उसका कारण के ये जगह के नाम पर गया लेपाक्षी। तो वीरभद्र स्वामी के नेक्स्ट में एक लेपाक्षी थीम पार्क है, तो उधर में मैं आया हूँ और एंट्री फी 10 रुपये लिया। तो इधर देखो वो ऊपर में जटायु है, तो ऊपर में चढ़ने देगा क्या पता नहीं, तो जाके देखता हूँ। अगर ऊपर चढ़ने दिया तो ऊपर जाके देखेंगे, काफ़ी बड़ा है। लेट्स गो एंड सी। ओके, एक बात तो मानना पड़ेगा, इतना बड़ा बड़ा पत्थर है ना यहाँ पे। ये देखो ये जटायु जहाँ पे बना हुआ है ये पूरा एक पत्थर है, इतना बड़ा बड़ा पत्थर है ना यहाँ पे। तो रूट यहाँ पे ऐसे करके शायद उधर तक जा सकते हैं, इधर शायद अलाउड नहीं है, तो ऊपर जाके देखते हैं। चलो दोस्त, मेरा दोस्त सयन तो नहीं चलेगा बल्कि नीचे में बैठ गया। वी आर नॉट अलाउड टू गो दैट साइड, सो आई एम कमिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द पीक। ऊपर में यहाँ में शायद ये मंदिर है लग रहा है। नो नथिंग इज देयर। यहाँ से पता चल रहा है कि कितना बड़ा है ये जटायु का स्टैचू। जो See how big it is. So behind me you can see Jatayu's statue, and in front of me far there that is Swami Virabhadra's temple, and this is a view of a small Lepaksi town. Far there here we have Nandi Bull, so I'll be going there next. Okay, it's a nice place to come. Acha laga yahan pe aake. Abhi next wo Nandi Bull ke paas jaunga main. It is not so high, man. You could have come. No, I know. Why you're not coming? Why you're so lazy? I'm not lazy. Huh? I just want to. He's so lazy. No way. What the fuck? No. I'm no swearing in video. Lepaksi exactly Karnataka और ये Andhra Pradesh border में है। तो मैं ये shopkeeper को बात कर रहा था, तो उसने बताया कि यहाँ पे 80% Telugu है और 20% even Kannada लोग भी हैं, और लोग Kannada भी समझता है। नेक्स्ट मैं नंदी जी को देखने आया हूँ। एक बहुत बड़ा सा नंदी जी है यहाँ पे। उधर में जटायु का वो टेंपल है। अंदर से वीडियोग्राफी बनाने अलाउड नहीं है, तो मैं जो भी अभी दिखाऊंगा मेरा मोबाइल कैमरा से दिखाऊंगा। ओके, सो आई एम नॉट अलाउड टू टेक वीडियो विद माय मेन कैमरा, सो आई एम टेकिंग विद माय मोबाइल फ़ोन। यू सी हाउ बिग दिस इज, इतना बड़ा है साइज देखो ये नंदी लॉर्ड का, इतना बड़ा है। और ये बस एक मोनोलिथिक रॉक को कर्व करके बनाया हुआ है, बहुत अच्छा है ना, सुंदर है एकदम, काफ़ी बड़ा है, सो नाइस। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर Lepaksi। वी हैव सीन आई थिंक ऑलमोस्ट एवरीथिंग। वी हैव गॉन टू वीरभद्रा स्वामी टेम्पल, वी हैव सीन दैट जटायु स्टैचू, देन बिहाइंड मी आई हैव सीन दैट नंदी स्टैचू, एंड सब अच्छा था। मतलब बेंगलोर से मैं 130 किलोमीटर चला के आया, रास्ता तो बहुत अच्छा ही था, और यहाँ में भी मतलब काफ़ी कुछ है देखने के लिए, तो एकदम वर्थ इट। मतलब इतना डिस्टेंस चला के आके भी अच्छा लगा मुझे। इवन सयान को पूछते हैं कैसा लगा आपका। अरे बहुत अच्छा, रोड वाज वेरी नाइस, मज़ा आया चलाने में और एंजॉय किया। सो इट वाज अ फन ट्रिप। लाइक बीच में ऐसा हो गया था कि मेरा सिर दुख रहा था, तो मैं सोचा कि वापस चला जाऊँ, लेकिन फिर भी कंटिन्यू किया, और अच्छा हुआ मैं कंटिन्यू किया।